समर्थन नहीं करते भाई, ये कोई समस्याओं का समाधान है, लेकिन मजबूरी में कोई रास्ता उसको दिखाई नहीं दिया, इसने उसने आत्महत्या कर ली और ये लिख करके आत्महत्या की है कि पिताजी मेरी इच्छा थी सेना में भर्ती होकर के देश की सेवा करने की, लेकिन इस आयु में इस उम्र में मैं नहीं कर सका, अगले जन्म में फिर तैयारी करूंगा, ये लिख करके वो आत्महत्या कर गया। साथियों, वो अकेला आत्महत्या नहीं कर गया, बल्कि आज पूरे देश के नौजवानों के सामने अंधेरा है, कोई भविष्य उनको नजर नहीं आ रहा है, इसलिए केंद्र सरकार सभी महकमों का निजीकरण कर रही है, हमारे नौजवानों को भर्ती नहीं कर रही, रोजगार नहीं दे रही, महकमों में खाली पद पड़े हैं, खाली उनको भर नहीं रही, केंद्र सरकार में भी 70 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है, रेलवे में, पोस्ट ऑफिस में, बैंकों में, बीमा कंपनियों में और सेना में, उनको भर नहीं रही। आपा ने सारे लोगों ने मिलकर के, क्योंकि किसान की हालत बहुत खराब है, पवन कुमार का पिताजी 1.25 एकड़ का किसान है, बहुत ही मार्जिनल सीमांत किसान है, कोई आमदनी का और तरीका है नहीं, ऐसे परिवार हमारी किसानों की शुद्ध किसान मोर्चा की मांग है कि ऐसे परिवार किसानों के मजदूरों के, जहाँ सरकारी नौकरी पर जिस परिवार में एक भी आदमी नहीं है, उन परिवारों को सरकार प्राथमिकता पर लेकर के रोजगार दे, इसलिए आप सारे मिलके अभी ये ज्ञापन देंगे, हमारा ज्ञापन पहला ज्ञापन होगा पवन के परिवार को आर्थिक मदद दी जाए, 50 लाख रुपए उसके परिवार को दिए जाए और परिवार का गुजारा चलाने के लिए उसके छोटे भाई को नौकरी दी जाए, ये आप मांग चुकी, ये ताड़ी बजाने का मौका नहीं है, ताड़ी नहीं, आप दम में है, अपने को बड़ा भारी दुख है कि एक होनहार नौजवान हमारे बीच में सरकार की नीतियों की वजह से वो जो ने चला गया हमारे बीच से, आप डीसी साहब को ज्ञापन देंगे, आराम से नारे लगाते हुए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, और फिर 5 किसानों का उसमें विद्यार्थी भी होंगे एक दो और नौजवान भी होंगे, वो आप ज्ञापन देंगे डीसी साहब को और उनसे अपील करेंगे आप अनुमोदन भेजिए मुख्यमंत्री को, ताकि उस परिवार को ये आर्थिक इमदाद मिल सके, और वो जो परिवार है इस समय संकट में है, बेटे का दुख है, आर्थिक संकट है, इसलिए उसको कोई राहत मिल सके, कोई मदद मिल सके, ये मांग आप करेंगे साथियों। भाई पवन अमर रहे, भाई पवन अमर रहे, भाई पवन अमर रहे, 2 मिनट के लिए भाई गंगाराम जी हमारे बीच में हमारे सुख
4 साल से प्रैक्टिस कर रहा था सेना में भर्ती, बहुत होनहार नौजवान था और सेना की 3 साल से कोरोना का नाम लेकर के भर्तियां नहीं निकाली, तो उस वजह से अंधेरा उसके आंखों के सामने आ गया और वो ओवरएज हो गया। उसकी उमंगे जो थी वो सेना में भर्ती होके देश की सेवा करने के, वो हमारे से बीच से चला गया और उसका पिताजी 1.5 एकड़ 1.25 एकड़ का सीमांत किसान है, उस परिवार की संकट की घड़ी में मदद की जाए, उसको मुआवजा दिया जाए 50 लाख रुपए का और उसके एक बच्चे को नौकरी दी जाए, ये हमारी मांग है। मुख्यमंत्री महोदय को ये ज्ञापन है हमारा और डीसी साहब को अनुमोदन करके इसको जरूर भेज दें और 5 आदमी जो है वो मतलब हमें मिला दें।